नमस्ते प्रणाम आप सभी को। होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। और मेरे को देख के आपको लग रहा होगा कि यार इसने कैप क्यों पहनी है, तो कैप पहनने का रीज़न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, इस सारा कैप पहनने का रीज़न है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। अभी अप्रैल में भी यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है और इस वजह से आज -4 डिग्री का टेम्परेचर है, तो मैंने टोपी पहनी हुई है, जैकेट पहनी हुई है। तो आज के ब्लॉग में बातें करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो फिनलैंड के बारे में बहुत मानी जाती हैं, और कैसा है ये देश, ये फिनलैंड कैसा है उसके बारे में बातें करते हैं। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर स्टडी में आना चाहते होंगे, यहाँ पर विजिट में आना चाहते होंगे और कुछ वर्क के लिए यहाँ पर आ रहे होंगे, तो आपका यहाँ आने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें, ये बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो पहली चीज़ फिनलैंड के बारे में वो ये है कि फिनलैंड एक बहुत छोटा सा देश है यूरोप के कंट्रियों में, और इसकी जो पॉपुलेशन है 5.6 मिलियन है, जो अगर देसी भाषा में आपको बोला जाए तो 50,60,000 लोग ही यहाँ पे रहते हैं, और बहुत छोटी कंट्री है। इसकी बहुत सारी अच्छी सिटियाँ हैं, जैसे कि आप तुर्कू हो गया, तामपरे हो गया, और वासा हो गया, ओलू हो गया, हेलसिंकी हो गया। तुर्की इसकी पहले एक राजधानी भी थी, अभी हेलसिंकी इसकी राजधानी है, और ऐसे ही ओलू भी एक अच्छी सिटी है जहाँ पे ओलू यूनिवर्सिटी है, जैसे हेलसिंकी यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे ही इसकी छोटी छोटी जो सिटियाँ हैं, खूबसूरत सिटियाँ हैं, इनको मिला के एक छोटा सा एक कंट्री है जो बहुत ब्यूटीफुल है, हैप्पीनेस कंट्री है वर्ल्ड में। इसके अलावा रोमानिया फिनलैंड के अंदर एक लैपलैंड जिसको बोला जाता है, वहाँ पर एक सेंटा क्लॉज विलेज है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि सेंटा क्लॉज फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, और रोमानिया लैपलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेंटा क्लॉज विलेज है। आप वहाँ पे जाओगे, इतनी खूबसूरत सिटी है, पूरी बर्फ़ से, मैंने वहाँ मैं गया था, मैंने विजिट किया था, इतनी अच्छी सिटी है कि मतलब चारों तरफ बर्फ़ जैसा, और सेंटा क्लॉज एक ब्लेज टाइप का उन्होंने बना रखा है, बहुत खूबसूरत है। शायद मैं एक्सप्लेन आपको नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखो तो वो बहुत अच्छी सिटी है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ के लोगों के बारे में, तो यहाँ के लोग इतने साई लोग हैं, मतलब बिल्कुल शांत लोग। जैसे आपको यहाँ पर लैंड करोगे आपको लगेगा यार कंट्री में शोर शराबा होगा, मतलब भीड़ भड़ाका होगा, जैसे इंडिया में होता है ना, पब्लिक चल रही है, कुछ भी बोल रही है, कोई किसी को कुछ बोल देता है, कुछ कुछ बोल देता है, तो ऐसा भी नहीं है। एकदम शांत कंट्री है, यहाँ के लोग एकदम शांत है, जियो और जीने दो, इसमें वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि यही होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप आओगे ना, तो आपको दूर दूर तक, जैसे मैं हूँ तो मेरे को यहाँ दूर दूर तक लोग नहीं दिखते। अगर इक्का दुक्का लोग आपके साथ दोस्ती कर भी लेते हैं तो एकदम मतलब जब वो बोलते हैं ना, तो एकदम उनको इतना बोलते रहते हैं कि मतलब एक्सप्रेस आपको करते रहते हैं। अगर आपको कुछ उनसे पूछना है तो जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि आपको पूरा समझ में आ गया है, आपने पूरा समझ लिया है, आप अब ये चीज़ें कर सकते हो, तब तक वो चुप नहीं होते हैं। तो अब आते हैं यहाँ के मेन मुद्दे पर, जो आपने टाइटल में भी देखा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो जब हम लोग इंडिया या अदर किसी भी कंट्री में बैठे होते हैं और हमको लगता है फॉरेन जाना है, फॉरेन जाने का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है और यहाँ पे इंग्लिश होगी, बस हमें इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश में वहाँ पे पहुँच जाना है। तो मैं आप लोगों को आज एक डाउट क्लियर करने के लिए स्पेशली ये ब्लॉग बना रहा था कि बहुत सारे लोग जब इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, स्टडी के लिए और ट्रैवल के लिए, चलो ट्रैवल में तो आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जॉब और स्टडी में जो ज़्यादा प्रॉब्लम है उस चीज़ के लिए, जब लोग मेरे को कमेंट पे कमेंट और मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं कि यार कैसे वहाँ पे नौकरी मिलेगी, क्या हमने इतना अप्लाई कर दिया, नौकरियाँ नहीं हैं, क्या होगा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, साल दो साल हो गए, तो मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करने के लिए आज ये ब्लॉग स्पेशली बनाया कि फिनलैंड के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इनकी ऑफिशियली लैंग्वेज नहीं है। फिनलैंड के अंदर फिनिश इनकी फर्स्ट लैंग्वेज है और स्वीडिश इनकी सेकंड लैंग्वेज है। आपको 100 में से 50 आदमी मिलेंगे जो इंग्लिश बोल देते हैं, बाकी के लोग यहाँ पे फिनिश बोलते हैं। आप कंट्री के अंदर कहीं भी जाओ, न्यूज़पेपर से लेके जो इनकी वेबसाइट है, कुछ भी चीज़ जो भी यहाँ पे मतलब यूज़ होती है लिखने पढ़ने में, वहाँ पर हर जगह में आपको फिनिश लैंग्वेज दिखाई देगी। तो जब हम लोग बाहर के लिए अप्लाई करते हैं, हमें लगता है कि यार विदेशों में इंग्लिश चलती है, बट ऐसा नहीं है। फिनलैंड के अंदर अगर आप आओ तो यहाँ पे फिनिश इनकी ऑफिशियली लैंग्वेज है।
हाँ वर्किंग लैंग्वेज में, और जैसे अभी कुछ इंटरनेशनल स्कूल खुले हैं उनमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। और इन्होंने कुछ जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी बाहर से स्टूडेंट आते हैं, फिनलैंड भी ग्रो करना चाहता है, तो इन्होंने अब जाके यहाँ पे शुरू किया है कि आप अब इंग्लिश में कर सकते हैं। डे केयर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, और इनके जो स्कूलें हैं, इंटरनेशनल कॉलेज हैं, उनको इन्होंने इंग्लिश में करना चालू कर दिया है। तो आप लोगों ने जब आप आते हो, जब आप जॉब अप्लाई करते हो, कई जगह पे ऐसे थे जैसे वर्किंग कस्टमर से आपने बात करनी है तो उसके लिए आपको फिनिश आनी चाहिए। स्वीडिश भी नंबर टू पे है, स्वीडिश भी इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिनिश बहुत ज़रूरी है, फिनिश आपको आनी चाहिए। क्योंकि आप जब कस्टमर से बात करते हो, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके साथ आप बातें करते हो, तो वो फिनिश ही बोलते हैं। तो मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जब आप लोग जॉब अप्लाई करते हो, जब आप स्टडी के लिए अप्लाई करते हो, तो आपने वहाँ पर पढ़ लेना है। चलो स्टडी वाले तो फिर भी इंग्लिश में यहाँ पे बातें कर सकते हैं, उनकी इंग्लिश ही होती है, इंटरनेशनल स्कूल है, लेकिन जो जॉब से रिलेटिव जितने भी बंदे जॉब से रिलेटिव हैं, वो जो यहाँ पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार ये ज़रूर देखिए कि जॉब के नीचे इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है कि उनको कौन सी लैंग्वेज चाहिए होती है, वहाँ पे साफ लिखा होता है कि हमें फिनिश लैंग्वेज चाहिए होती है, जिसकी वजह से आप लोग जब अप्लाई करते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। और रिजेक्शन का ये लोग आपको बताते नहीं है कि क्यों रिजेक्ट किया है। कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री, कोई भी देश आपको नहीं बताएगा कि उन्होंने क्यों आपको रिजेक्ट किया है। बट यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि फिनिश लैंग्वेज जब नीचे लिखी हुई है और आपने पढ़ने के बाद भी अपनी जॉब एप्लीकेशन वहाँ पे अप्लाई कर दी है तो वो रिजेक्ट ही होनी है। तो ये तो थी जी लैंग्वेज की बात। आपको 50% कहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाएगी और जॉब भी मिल जाएगी, बट शर्त यही है आपने पढ़ लेना है। बाकी इसके बाद बात करते हैं नेचर की। तो फिनलैंड के अंदर आपको गली गली में, नुक्कड़ में, हर जगह पे आपको नेचर ही नेचर मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, आसपास में पूरे घर बने हुए हैं और बाकी सारे फॉरेस्ट है, सारा जंगल टाइप का आपको दिखेगा। ये जैसे नीचे आप देख सकते हैं, पूरे नीचे घर बने हुए हैं, यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो बाकी पूरा जंगल। तो आपको हर जगह ऐसे ही मिलेगा, एकदम नेचर इतना अच्छा है यहाँ पे, जंगल ही जंगल, मस्त एकदम, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती है। आप आओगे तो ब्यूटीफुल एकदम, हर जगह घूमने फिरने का है, सारी चीज़ें हैं। ये आप देखिए, पूरा नीचे बीच में एक ग्राउंड बना हुआ है, फुटबॉल ग्राउंड, और आसपास पूरा जंगल है, सामने घर हैं, बिल्डिंगें हैं, सेम ऐसे यहाँ ऊपर है। यहाँ ऊपर आप आओगे, यहाँ आपको पूरा पहाड़ी जैसा मिलेगा और ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, आजकल भी बर्फ़ पड़ रही है। इसके पीछे आप देखिए थोड़ा सा ये घर दिख रहा है, बाकी इस साइड में भी आगे घर है और इस साइड में आगे सिटी है। तो सेम इन्होंने हर जगह आपको ऐसे ही मिलेगा पूरे फिनलैंड में, एकदम मस्त रहता है यहाँ पे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे विंटर हो या समर हो, लोग हमेशा, जैसे पेड़ पौधे हैं इनके बीच में, जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे पूरा रास्ता बना हुआ है, नीचे भी एक रास्ता बना हुआ है ऐसे। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग रहते हैं, ये फॉरेस्ट में घूमने, इनको वॉक करना बिल्कुल पसंद होता है। और इसके बाद आती है बात कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी और चाय, जैसे कि मुझे चाय बहुत पसंद है और हम लोग इंडिया में चाय पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, लेकिन यहाँ के जो आप लोगों के बारे में पता चलेगा आपको, फिनिश लोग, ये लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। एक बंदा पूरे साल में 12 किलो कॉफ़ी पी जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिनलैंड के जो लोग हैं, जो फिनिश लोग हैं, वो जो कॉफ़ी पीते हैं वो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। अगर इक्का दुक्का लोग या 10-12 लोग, जो भी है, जितने भी लोग दूध पसंद करते हो, मिल्क पसंद करते हो, तो वो मिल्क पता कैसे पीते हैं, ठंडा ठंडा मिल्क उसके अंदर डाला जाता है, कॉफ़ी के अंदर, और तब उसको पिया जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे देसी स्टाइल में बनती है ना, अगर कॉफ़ी भी बनानी है तो भैया कॉफ़ी में भी गर्म दूध डालना है, उसको उबालना है तब पीना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ कॉफ़ी बनी हुई है, गर्म कॉफ़ी बनी हुई है, उसके बाद उसके ऊपर ठंडा मिल्क डाला और फिर पी जाती है। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ भाई बहुत खूबसूरत है, बर्फ़ भी पड़ी रहती है ना, तो भी मस्त घूमने के लिए एकदम ब्यूटीफुल कंट्री है फिनलैंड। इसके बाद बात करते हैं फिनलैंड के वेदर की, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिनलैंड का वेदर अभी आप देख लो, अप्रैल का महीना है,
इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश एशिया साइड में पूरा अभी एकदम गर्मी से हालत खराब हो रही है, लेकिन ये फिनलैंड है भैया, यहाँ पे अभी अप्रैल के महीने में भी ये देखो आप चारों तरफ पूरी बर्फ पड़ी हुई है। और ये मान लो कि इन नॉर्डिक कंट्रियों में है फिनलैंड, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड होती है कि मतलब पूछो मत, ठंड का मतलब है तो ठंड है। माइनस आज जैसे मैं बताऊँ आपको -5 डिग्री है, तो ऐसे यहाँ पे -30-35 तक भी जाता है, 40 तक भी जाता है। जैसे रोमानिया साइड में आप चले जाओ, लापलैंड साइड में आप चले जाओ, तो वहाँ 50 डिग्री माइनस भी जाता है, ऐसे बर्फ रहती है। ज्यादा महीने यहाँ बर्फ रहती है, कम महीने यहाँ पे समर रहता है। तो ये भी आप लोगों को जान लेना है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको कपड़े और ये सारी चीजें तो जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। और इसके बाद आप लोग पूछोगे यार गर्मी कब रहती है, तो गर्मी फिनलैंड के अंदर रहती है 2 से 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ऊपर यहाँ गर्मियां नहीं होती हैं। और उन गर्मियों के महीनों में भी टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री से ऊपर कभी नहीं गया है, 30 डिग्री रहता है। 30 डिग्री भी बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है यहाँ के लोगों के लिए, उसमें वो समुद्र किनारे ऐसे आपको घूमते फिरते नजर आएंगे, बट इससे ऊपर यहाँ पे नहीं जाता है, 30 डिग्री ही यहाँ का टेम्परेचर रहता है समर के टाइम पे। और इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे विंटर का टाइम होता है फिनलैंड के अंदर, ठंड का टाइम होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि रात 3 बजे 4 बजे शाम को आपको रात पड़ जाएगी और दूसरे दिन 10-11 बजे रात खुलेगी, मतलब अंधेरा ज्यादा रहता है। और जब समर आते हैं 2-2.5-3 महीना जो भी समर यहाँ पे होता है, उस समर में क्या होता है कि यहाँ पर जो मतलब धूप है ना, धूप भी नहीं, जो सूरज है रोशनी है एकदम चमकता हुआ, वो रात को 2:30 बजे तक रहता है और सुबह 3-4 बजे दो या एक घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा बस इतना, इससे ज्यादा नहीं, 3-4 घंटे ही रात होती है, थोड़ा सा अंधेरा होता है। अदरवाइज जैसे मैं हूँ, मैं तो अपने शीशों पे पूरे वो ब्लैक जैसे कवर लगा देता हूँ ताकि अंदर रोशनी ना आए। और आपने मेरे कई ब्लॉगों में देखा भी होगा, मैंने दिखाया है कि मतलब रात को 2-2.5 बजे भी बिल्कुल उजाला रहता है, तो पता ही नहीं चलता कि रात होगी भी या नहीं होगी यहाँ पे। तो ये सारी चीजें होती हैं फिनलैंड में। इसके बाद बात आती है अल्कोहल की। फिनलैंड के अंदर अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज होता है, दारू दूरू बहुत ज्यादा यूज होती है। हाँ ये है कि 18 साल से नीचे आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कैशियर को अगर लगेगा कि आप थोड़ा सा यंग लग रहे हैं उसको, तो वो आपके आईडी पूछ सकता है। आपको आईडी हमेशा मार्केट में साथ लेके जानी है और आईडी आपको दिखानी है। इसके बाद आती है ग्रोसरी की बात। तो ग्रोसरी फिनलैंड में अगर आप इंडियन शॉप में जाओगे तो थोड़ा महंगा है इंडिया के मुकाबले, अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा महंगाई है। महंगाई ये है कि मतलब आपको वहाँ पे जो दालें हैं वो 160-170 रुपये किलो मिल रही है, यहाँ पे आपको 10-12 रुपये यूरो के हिसाब से मिलेगी, तो आप इंडिया का हिसाब लगाओगे तो थोड़ा सा महंगाई है। बट ऐसा नहीं है कि आप परचेज नहीं कर सकते, या हम लोग यहाँ पे रहते नहीं है हम नहीं खरीद पाते हैं, ऐसा भी नहीं है, खरीद सकते हैं। और इसके बाद जितनी भी यहाँ पे शॉपें होंगी, जैसे कोई भी शॉप होगी, चाहे वो मॉल है, मार्केट है, छोटी मोटी दुकानें हैं, इन सारी दुकानों को रात को 9 बजे के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना अल्कोहल मिलेगा, ना खाना पीना मिलेगा, कुछ भी नहीं। इक्का दुक्का बार होते हैं, बारों में क्लबों में आप जा सकते हो, अदरवाइज आपको अल्कोहल कहीं नहीं मिलेगा। और आपको भी पता है अगर आप बार क्लब में अल्कोहल लेते हो तो वहाँ पे महंगा होता है। और ग्रोसरी के लिए अगर आप किसी भी मार्केट में अगर आप जा रहे हो तो मार्केट 9 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बताना चाहिए था कि आप जब भी आते हो तो कभी ये नहीं सोचना कि यार इंडिया की तरह 10-11 बजे तक मित्तल जी की दुकान खुली हुई है तो बाद में चले जाएंगे सामान ले लेंगे, ऐसा नहीं है। दुकानें सिर्फ 9 बजे तक खुलती हैं, 9 बजे के बाद सारे मार्केट बंद हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे पे जब उनका टाइम होता है तभी वो लोग खोलते हैं। इसके बाद आप लोग सोचोगे यार यहाँ पे हम लोगों को बॉडी में एकदम पसीना तो होता नहीं है, तो फिर बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं। तो उसके लिए फिनलैंड के अंदर सावना का एक सिस्टम है। सावना बोले तो एक रूम होता है जिसके अंदर कुछ पत्थर रखे होते हैं और आपने वहाँ पे पानी का छिड़काव करना होता है, फिर वहां से इतनी ज्यादा स्टीम निकलती है, बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि आपकी बॉडी से पूरा पसीना निकलता है और आप एकदम फ्रेश हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि यार जैसे मतलब बहुत सारा बॉडी से मेरी गंदगी निकल गई है, पसीना पूरा निकल गया है और एकदम फ्रेश हो जाते हो। तो सावना की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फिनलैंड के अंदर आपको हर जगह, हर घर में, हर बिल्डिंग में, हर ऑफिस में सावना आपको मिल जाएंगे। तो ये तो थी फिनलैंड के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी। बाकी आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचना है कि फिनलैंड में आपको इंडियन फूड नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सारी चीजें मिलती हैं, दुनिया की हर चीज मिलती है, कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। और
मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा बर्फ से ढका हुआ है। मैं -3-4 की डिग्री में एक ब्लॉग बना रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सारी चीज़ें आप तक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो बोलते हैं ना यार कि नौकरी नहीं है और हमने अप्लाई किया है उसके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने सोचा चलो एक फिनलैंड के बारे में आपको एक ब्लॉग ही बना के बता दूँ कि भाई यहाँ पे क्या क्या है, क्या नहीं होता है, क्या होता है सारी चीज़ें। तो होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि ठंड से जो मेरी हालत हो रही है इसको देख के कम से कम आप लोग मेरे को सब्सक्राइब जरूर करोगे। और ऐसी और भी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। लाइव मेरा एक चैनल है जितेंद्र नेगी के नाम से, उस पर लाइव भी आता हूँ। मेरी इंस्टा आईडी है, आप उन पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो और अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो कैसे क्या करना है। जो चीज़ें यहाँ पे छूट गई हैं और आप लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुँची हैं आप उन चीज़ों के बारे में भी मुझसे पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। बाकी मैं आपको यहाँ का एक बार दोबारा से व्यू दिखा देता हूँ कि मैंने किस जगह पे खड़े होकर आज ये ब्लॉग बनाया है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।